खबर शामिल करते हैं ठटा से। SHO घारों की ज्यादतियों के खिलाफ सिंध मरीज इत्तेहाद की जानिब से घारों से मकली तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मकली में मीर मलोक मरी, मीर जहांगीर मरी, दीगर रैली के शुरकाओं ने कहा है कि SHO ने 50 लाख भत्ता मांगा ना देने पर SHO ने घरों में घुस कर रेट मारा, औरतों पर तशद्दुद किया और ख्वातीन को गिरफ्तार करके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। घरों के SHO जिस जमीन के मसले पर हमने से भत्ता मांगा है मगर इस जमीन का कोर्ट से स्टे ऑर्डर हमें पहले मिला हुआ है, मगर SHO घरों कराची के बासरों से मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। SHO घरों 50 लाख भत्ता मांगा, हमने इनकार किया तो SHO घरों आपे से बाहर आ गया और एक कराची के गैर मकामी बासर के कहने पर हमारे घरों पर रेड किया, घरों में मौजूद खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया, जबकि कार्रवाई के दौरान घरों के अंदर मौजूद 8 मर्द के साथ हमारी औरतों को भी SHO ने गिरफ्तार करके हर रिवायत तोड़कर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। रिपोर्ट हक नवाज चांडियो, रिप्शा टीवी न्यूज ठटा। हमारा फैसला हो और इस SHO ने जो हमारे ऊपर बगैर किसी वारंट के FIR काटा, इसका हमें अजाला किया जाए। और SSP साहब ने हमें 10 तारीख को बुलाया हुआ था मीटिंग के लिए, फैसले के लिए, जबकि रात को SHO ने 9 तारीख में FIR काट के मेरे बंदों को गिरफ्तार किया। आप मुझे थ्रेट दे रहे हैं और मेरे बंदों को लॉकअप के अंदर मार कर थ्रेट देकर उनसे बयान लेकर और उस बयान को सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से चला रहे हैं। आज एहतजाज का मकसद के घारो थाने के SHO ने बगैर किसी वारंट, बगैर किसी फोर्स की आदत के कुछ साख्ता FIR एक काट कर मीर मोहम्मद मलूक मरीज उल्लाटा के अलबक्सा मरीज आप दिखा रहे हैं उसके फार्म पे, जहाँ जिसके मतलब ऑलरेडी कोर्ट में 3 दिन केसेस चल रहे हैं, जाकर उनके हारी और उनके किसान उनके बीवी बच्चों समेत गिरफ्तार कर लेकर आया, तो उनके औरतों बच्चों को मेरे ख्याल से 5 बजे गिरफ्तार कर ले, 11 बजे तक खाना पीना बंद किया, अभी भी 11 बच्चे हार। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि बीवी बच्चों को गिरफ्तार करने, उनके चादर चार दीवारी को पामाल करने, मरी कौम के ऊपर खामखा FIR करने, हारियों को बेगुनाह गिरफ्तार करने और पैसे लेकर नाजायज काम करने, डीजल का काम करने, ईरानी डीजल का भत्ताखोरी करने के खिलाफ SHO मनपाल बुरोई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह